नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमरोहा के 11 परीक्षा केंद्रों पर बीएड संयुक्त परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। वहीं अमरोहा के जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि जिले में आज बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी और निरीक्षण केंद्र के बाद ही केंद्र चयनित किए गए थे। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी और सचल दल लगाकर निरीक्षण करता रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत सामने आएगी तो उसके त्वरित समाधान के लिए भी टीमें पूरी तरह से तैयार रहेंगी। तो 11 परीक्षा केंद्रों पर बीएड संयुक्त परीक्षा शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही परीक्षाएं की जा रही हैं। यूपी के हरदोई के एक मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक भाई ने ही अपने सगे बड़े भाई और भांजे की हत्या कर दी। पूरा मामला हरदोई के कोतवाली शहर इलाके के विभूति नगर इलाके का है, जहां पर एक किराए के मकान में अवधेश नामक युवक अपने भांजे आशुक के साथ रहता था। ये दोनों बिलग्राम कोतवाली इलाके के भरीगवा के रहने वाले थे और दो दिन पहले ही इसके गाँव से अवैध देश का छोटा भाई अनमोल इनके साथ रहने आया था। पर रात को सोते समय नाबालिग अनमोल ने अपने भाई अवधेश और भांजे आशु के सर पर सिलेंडर से वार कर उन्हें घायल कर दिया, जिनके हॉस्पिटल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। ये लोग हरदोई में रहकर पंचर की दुकान चलाया करते थे। वही आरोपी अनमोल मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो हरदोई में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। डबल मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अनमोल नामक लड़के के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई अवधेश और रिश्ते में भांजे आशु, इसके सिर पर सिलेंडर से वार करके घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल हमारी थाना कोतवाली शहर पुलिस और COCT मौके पहुंचे थे। घायलों को तत्काल ही इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई दुखद रूप से। इस पूरी घटना में जो अनमोल है उसको उसके खिलाफ नामजद तहरीर भी प्राप्त हो गई है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। जो आला या कत्ल है, जो सिलेंडर है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी टीमों के द्वारा जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो पूछताछ में बात सामने आई है वो ये है कि ये जो मृतक हैं वो बिलग्राम के बरगवा गांव के रहने वाले हैं। जो जिसने मारा है अनमोल, वो मृतक का ही सगा छोटा भाई है और वो बराबर पैसे की मांग करता था कि घर बन जाए। ये गरीब लोग हैं, इनके छप्पर वगैरह हैं, तो घर बनवाने के लिए पैसे की मांग करता था। लेकिन बड़ा भाई पैसे बचा रहा था अपने लिए और अपनी शादी के लिए, वो घर में खर्चा नहीं करता था। इसी से ये परेशान था काफ़ी, मानसिक रूप से इसका संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा है। पूछताछ में ये बात सामने आई है। तो इसी के चलते रात में अकस्मात इसने खाली सिलेंडर उठा करके इनके सिर पे मारा, जिसके कारण से इन दोनों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल इनकी बॉडीज को मोर्चरी में रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो तहरीर आई है उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कानपुर देहात के कस्बा खोजाफुल नेशनल हाईवे पर सवारी से भरी मैजिक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। वहीं पीछे से आ रही एक और कार ने मैजिक में टक्कर मार दी, जिससे कुल मिलाकर तीन गाड़ियों के आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में तीनों गाड़ियों के लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में ले जाया गया, जहां 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कस्बा खोजाफुल नेशनल हाईवे पर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से एक मैजिक गाड़ी जा टकराई। वही मैजिक के पीछे से आ रही एक कार भी मैजिक से भिड़ंत हो गई, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। वही सिकंदरा पुलिस का कहना है कि सभी घायलों को भर्ती करा दिया गया है और तहरीर मिलते ही अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया,
इस आयोजन को बसपा नेता मोहन वाजपेयी के नेतृत्व में आयोजित किया गया और बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान सतीश मिश्रा ने कहा है कि बसपा 2022 का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, किसी अन्य पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण वोट समेटने की कोशिश करते हुए कहा, बीजेपी सरकार में ब्राह्मण सर्वाधिक प्रताड़ित और भयभीत है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के बंधन प्लेस में आयोजित इस कार्यक्रम में सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चाहे बीजेपी सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो, पर वो भी अपने को प्रताड़ित और अपमानित महसूस कर रहा है। इस सरकार में अगर कोई भी ब्राह्मण मंत्री किसी घोटाले की आवाज उठाता है तो ऊपर से ऐसे दिशा निर्देश है कि चाहे 5 गोलियां मारनी पड़े या 6, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। सतीश मिश्रा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लाकर देश के किसानों के साथ भी धोखा किया है। देश का किसान परेशान है, उसे उसकी उपज का पूरा मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज समूचे रूप से आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। जितनी हमने उम्मीद थी, जिस तरीके से तेजी से जुड़ेगा उससे बहुत ज़्यादा आगे तेजी से जुड़ रहा है। और अभी एक जने प्रश्न कर रहे थे कि क्या आप लोग किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के साथ मिल करके और उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ में मिल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का अकेले लड़ेंगे, हाँ गठबंधन करेंगे तो समाज के साथ। वही यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा कुछ तहसीलों में अलग अंदाज में दिखाई दी। यहां साइकिल यात्रा के साथ गांधी स्वरूप झांकी लेकर सपाई पीलीभीत में घूमते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में सपाइयों ने कहा है कि बीजेपी शासनकाल को आगामी विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करने के लिए गांधी गिरी से चुनाव जीता जाएगा और गांधी के स्वरूप के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि जितने भी सपा कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो लगातार साइकिल यात्रा निकाल चुके हैं और राज्य के हर जिले में ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा की शुरुआत करने से पहले कल अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि साल 2022 में सपा जो है 400 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सपा कितनी सीटें जीतती है, लेकिन कोशिश तो पुरजोर की जा रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों की माने और सर्वे की माने तो सपा विपक्ष में सबसे मजबूत दावेदार खड़ी है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने जो साइकिल जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार के काले कानून, महंगाई, बेरोजगारी लेकर जो हम लोगों ने साइकिल रैली निकाली थी, गांधी जी की प्रतिमा इसलिए हम लोगों ने लगाई थी कि हम लोग अहिंसावादी हैं, अहिंसावादी को मानते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों जो काम कर रहे थे, आज भाजपा सरकार उसी काम पर उतारू हो गई है। हम लोग उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि गांधी जी ने जिस तरह आप लोगों को यहाँ खदेड़ा था, अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी तरह हम लोग भाजपा को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य था। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बुधवार को 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा था, पर गुरुवार को गंगा अचानक से उफान पर आ गई, जिससे एक बार फिर वाराणसी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एनडीआरएफ के अनुसार गुरुवार की शाम 7 बजे तक गंगा का जलस्तर 68.48 बताया गया और अभी भी बनारस में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार देखा जा रहा है। बनारस में गंगा के जलस्तर की चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि उच्चतम बिंदु 71.26 मीटर है। वहीं बुधवार को जलस्तर में कमी होने के बाद गुरुवार को ये 7 सेंटीमीटर घंटे की रफ्तार से घटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से बढ़ाव दर्ज किया गया है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से उसकी सहायक नदियां वरुणा में भी जलस्तर बढ़ने लगा, जिससे वरुणा के तटीय क्षेत्रों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिसके कारण लोगों को घरों की छत पर शरण लेनी पड़ रही है। गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी घाट हैं वो पूरी तरह से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जो निचले इलाके हैं, जो निचले इलाकों में गांव बसे हुए हैं, वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बुधवार तक
जो गंगा का जलस्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बीते गुरुवार की बात की जाए यानी कल की, तो एक बार फिर से गंगा में उफान देखने को मिला है, जिसके बाद उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें भी पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो निचले इलाके हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों की छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 11 ग्राम पंचायतों की 13 से 15 हजार की जनसंख्या के बीच इकलौते महत्वपूर्ण चिकित्सालय बछेली खाल की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार और वार्ड बॉय विपिन प्रसाद सहित 3 कर्मचारी तैनात हैं, जबकि काफी समय पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह पर अभी तक तैनाती नहीं की गई है। क्षेत्र लोगों का आरोप है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट सब कभी कभार ही अस्पताल में दिखाई देते हैं और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद ही पूरे चिकित्सालय का कारभार थामे हुए हैं। उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन की प्रांतीय प्रवक्ता और ग्राम पंचायत कुर्म के प्रधान और स्थानीय निवासी पुष्पा रावत ने चिकित्सालय की लचर व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है, ठीक तरह से दवाइयां भी इस अस्पताल में नजर नहीं आती हैं। साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने की मांग भी लगातार की जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चिकित्सालय को केवल एक वार्ड बॉय चला रहा है, जो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार का ढोल पीट रही प्रदेश सरकार के मुंह पर भी एक तमाचा है। आपको बता दें कि हाजिरी रजिस्टर से साफ पता चलता है कि कई दिनों से डॉक्टर और फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर ही नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के अक्सर नाराज रहने की शिकायत जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी राकेश कुमार नोटियाल से भी की गई, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कह दी है। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 लोगों के लिए जो अस्पताल यहां पर बनाया गया है, ना तो इसमें साफ सफाई है, ना ही कोई सुविधा है, ना लाइट आ रही है, ना ही दवाओं की व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर आते हैं और ना ही यहाँ पर फार्मासिस्ट आते हैं। चलाता है अस्पताल तो वो वार्ड बॉय चलाता है। कल मेरे को सूचना मिली है वहाँ पर से कि डॉक्टर वहाँ पे है दीक्षा शर्मा और फार्मासिस्ट है कोई बुटोला लड़का है विपिन। तो मैं जब आप मेरे को ये सूचना मिली है कि यहाँ पे दोनों नहीं है, बड़ोनी से बार तब मेरी बात हुई थी, तो मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब थी, मैंने उससे टेलीफोन पर बात की थी, और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था। तो मैं आज उनका स्पष्टीकरण करके और मैं अग्रिम आदेश जो आगे कार्रवाई होगी तो जो उनके अगर स्पष्टीकरण प्रमाणिक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा उसमें और वेतन रोकूंगा मैं उनका अग्रिम कार्रवाई था, जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। रही औषधियों के बाद तो औषधियाँ अभी मैं खुद भी एक दिन विजिट पर गया था, तो मैंने औषधि भी वहाँ पर्याप्त औषधियाँ हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें उजागर कर रहे हैं। ये देखिए कि बहुत बहुत ख़राब चीज़ लगती है कि सिस्टम अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। डॉक्टर का काम वार्ड बॉय कर रहा है, एक फार्मासिस्ट कर रहा है ना। तो आप ये लगा लीजिए कि कहाँ खड़े हैं हम, कौन से ढांचे की बात करते हैं हम कौन सा ढांचा लेकर चल रहे हैं कि एक डॉक्टर का काम जो है वो एक एनएम करेगी, एनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम। अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतनी डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की, जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी। कुछ तो हमें नेताओं ने मार दिया, कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मार दिया। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये जो डॉक्टर, ये जो अस्पताल बना रखे हैं, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना रखे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो है ये कालाबाजारी है, सरासर कालाबाजारी है। ये लोग जो सिर्फ अपना तनख्वाह लेते हैं और जनता को वही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में 55 किलोमीटर दूर अपने 1500-2000 रुपए लगाकर जाना पड़ता है, कहीं कहीं जगह तो 3000 और 4000 की भी बुकिंग होती होगी किलोमीटर अगर बढ़ जाता है तो ये स्वास्थ्य का तो बहुत ही बुरा हाल है, ये पूरा उत्तराखंड जानता है। और बहुत दुख लगता है कि इसमें विधायक और मंत्री जो लोग हैं चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, जिनको जनता ने जो है सदन में भेजा है, विधानसभा में भेजा है कि वो बेसिक सुविधाएं कम से कम स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इस पे अगर हमने काम कर लिया तो मुझे लगता है कि हमारा राजनीतिक जीवन सफल हो जाएगा, और वही जनप्रतिनिधि नहीं करते। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसें अटकी हुई हैं।
तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव लंबित है और उन्होंने पिछले महीने भी चुनाव आयोग से संपर्क किया था। राज्य में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी मामूली अंतर से हार हुई थी। हार के बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी थी। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नियुक्ति के 6 महीने के भीतर लोगों द्वारा चुने जाने की आवश्यकता है। बता दें कि तृणमूल ने मई में 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार का गठन किया है। दरअसल संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और वो मंत्री पद पर आसीन होता है तो उसके लिए 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर मंत्री ऐसा नहीं कर पाता तो 6 महीने के बाद वो पद पर नहीं बना रह सकता। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 4 नवंबर तक विधायक बनना ही होगा, वरना उनकी कुर्सी छिन सकती है या फिर उन्हें छोड़नी पड़ सकती है। तो 4 नवंबर तक विधायक बनना होगा ममता बनर्जी को। आपको बता दें कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ना तो वो कहीं से सांसद है और ना ही विधायक है। और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नियम है कानूनी तहत, अगर नहीं होता है तो फिर उन्हें अपने पद से या तो इस्तीफा देना होगा या फिर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को शुक्रवार को एक बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली वासियों के लिए आज से मेट्रो की पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी संजय लेक से मयूर विहार पॉकेट 1 की शुरुआत कर दी गई है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार सुबह हरी झंडी दिखाकर इस सेशन की मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। हालांकि आम नागरिक 3 बजे से स्टेशन पर यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि अब इस लाइन के शुरू होने के बाद दिल्ली मेट्रो के NCR की सभी लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे यात्रियों को अब बार बार मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। इससे पहले यदि किसी यात्री को नोएडा, गाजियाबाद समेत पूर्वी दिल्ली से फरीदाबाद या गुरुग्राम जाना होता था तो उन्हें ब्लू, रेड, येलो होते हुए वॉलेट लाइन के बीच चक्कर लगाना पड़ता था, पर अभी यात्रा पिंक लाइन के जरिए आसानी से की जा सकेगी। तो दिल्ली वासियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। हालांकि पिंक लाइन बहुत पहले से ही शुरू की जा चुकी है, लेकिन उसका जो एक छोटा सा हिस्सा है वो उसकी शुरुआत आज हुई है। उसका शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है, तो ऐसे में बड़ी राहत अब लोगों को मिलने जा रही है। आपको बता दूँ कि कोरोना काल में हालांकि 1.5 साल बाद मेट्रो चली और मेट्रो चलने से कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिली है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग NCR आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ऐसे में अब सीधे आपको ना तो आपको येलो या रेड या वॉलेट लाइन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी लाइन से आ रहे हैं तो डायरेक्टली आप आ सकते हैं, आपको बार बार मेट्रो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो मेट्रो की पिंक लाइन का शुभारंभ किया गया है, जो कि त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 तक जाएगी संजय लेक होते हुए। और ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि नोएडा यहाँ से बेहद करीब है, गाजियाबाद भी आसानी से आप जा सकते हैं, और अगर आपको फरीदाबाद या गुरुग्राम भी जाना है तो वहाँ भी आप आसानी से इस लाइन से जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिंक लाइन एक बहुत बड़ा मेट्रो का नेटवर्क है दिल्ली में। इसके अलावा ब्लू लाइन और रेड लाइन, ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन पिंक लाइन से इसको जोड़ा गया है ताकि NCR के जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। यानी कि जो नौकरी पेशा करते हैं, रोजाना NCR या दिल्ली जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 7 और 8 अगस्त को 2 दिन दौरे पर UP पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो अवध से लेकर ब्रज तक चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। BJP के प्रदेश महामंत्री JPS राठौर ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 7 अगस्त को राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं पर पार्टी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित कर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद BJP मुख्यालय में संगठनात्मक बैठकों में उपस्थित पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नड्डा 8 अगस्त की सुबह राजधानी लखनऊ से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे।
आगरा में पार्टी द्वारा आयोजित चिकित्सकों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जेपी नड्डा एक बार फिर से यूपी आ रहे हैं, दो दिवसीय उनका यूपी दौरा है, जहां पर वो चाहे वो अवध हो चाहे वो ब्रिज हो, तमाम उन जिलों में घूमेंगे और तमाम जिलों में जाकर वहां के पदाधिकारियों वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मिशन यूपी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जेपी नड्डा आ चुके हैं और बैठकें कर चुके हैं। मैनपुरी की आईएएस अधिकारी और सीडीओ ईशा प्रिया ने मैनपुरी को देश और विश्व के पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का जिम्मा उठाया है, जिसके चलते उन्होंने मैनपुरी के 10 वेटलैंड क्षेत्र को चिन्हित करने के बाद यहां पाए जाने वाले राजकीय पक्षी सारस को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसे सारस सर्किट पर्यटन क्षेत्र नाम दिया गया था। अगर बात करें मैनपुरी के करहल विकासखंड के ग्राम सहन की, तो यहाँ भी एक वेटलैंड क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए जाने के बाद से ही यहाँ की ग्राम प्रधान अनिता देवी ने एसडीएम करहल रतन वर्मा के सहयोग से ग्रामीणों के अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसके बाद ग्राम प्रधान और यहाँ के ग्रामीणों की सार्थक पहल से सबसे कम समय में सीडीओ मैनपुरी ईशा प्रिया की महत्वाकांक्षी योजना सारस सर्किट पर्यटन क्षेत्र को पूरा किया गया, जिसका आगरा मंडल के मंडलायुक्त आगरा अमित गुप्ता ने इस पर्यटन क्षेत्र का फीता काटकर उद्घाटन किया है और सारस पर्यटन क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद वो वहां बने वॉच टावर से पर्यटन क्षेत्र का नजारा भी देखते हुए नजर आए हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की तैयारी हो रही है। मैनपुरी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईएएस अधिकारी शक्रिया ने जिम्मेदारी ली है और यहाँ के जो राजकीय पक्षी हैं उनको लेकर यहाँ पर कई पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, ताकि जो भी पर्यटन आते हैं वहाँ सारस जो कि वहाँ का मेन पक्षी है उसका उसे देख सके और लुत्फ उठा सके। देखिए, हमने भी समाज में बताया गया था कि यहाँ जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए और विशेष रूप से सारस के उनकी जनसंख्या बढ़े, उनकी पसंद का क्षेत्र है विकास हो, और साथ ही जो पुराने तालाब हैं बड़े तालाब हैं अवैध कर दिए हैं, उनको हटाया जाए, खुदाई वगैरह काम हो रहा है, वॉच टावर बनाए गए। तो आज हमें देखने का मौका मिला, तो वास्तव में जो हमने सोचा था उससे अच्छा लगा था, और जिस प्रकार का कार्य हुआ है वो निश्चित रूप से उससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर्यावरण का संरक्षण अच्छे से होगा, सारस हैं उनकी आबादी भी बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि जो स्थानीय निवासी हैं ग्राम प्रधानगण हैं वो सभी इसकी पूरी देखभाल करेंगे। करने की तैयारी यहाँ पर आईएएस ने की है और उसकी बांध की तस्वीरों में देखी जा सकती है। भारत की महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। आज खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत को रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से मात दी। भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। गुरजीत के अलावा वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में स्कोर किया। ग्रेट ब्रिटेन के लिए इनोला रॉयर ने 16वें, सारा ने 24वें, होली पियर्ने ने 35वें और ग्रेस ने 48वें मिनट में गोल दागे हैं। पुरुष टीम ने गुरुवार को कांस्य पदक के मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद देश की खुशी दोहरी नहीं कर पाई और ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गई, फिर भी टीम की सराहना लगातार हो रही है। उसे खुद को पदक की रेस में शामिल किया। मौजूदा ओलंपिक में वो पहले ही 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अविश्वसनीय प्रदर्शन कर चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें पूल चरण में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी। 7वें नंबर की टीम दुनिया के 4थे नंबर के ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना किसी दबाव के सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उतरी थी, पर नतीजा भारत की बेटियों के पक्ष में नहीं रहा। लेकिन पूरा जो देश है वो बेहद खुश है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, वो सेमीफाइनल में पहुंची और भारत की बेटियों ने एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।